हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। चलिए देखते हैं मिड कैप निफ्टी की कल एक्सपायरी होने वाली है और मंडे के दिन आप मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी में किस तरीके से बड़ा प्रॉफिट जो है वो बनाने का मौका जान सकते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में देखेंगे कि मिड कैप निफ्टी में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा अप और डाउन मूवमेंट जो है वो करता है। और बड़े टाइम फ्रेम में अगर हम लोग देखें तो ये कुछ कुछ ट्रायंगल पैटर्न जैसा पैटर्न यहाँ पर बनने वाला है। तो आज मिड कैप निफ्टी में कैसे सिनारियोज देखे, हम लोग क्या ट्रेड कर सकते हैं मंडे के दिन, ये पूरा इस वीडियो में आपको एंट्री से लेकर एग्जिट तक देखने के लिए मिलेगा। और इसके लिए आपको पूरा वीडियो जो है वो एंड तक देखना इम्पोर्टेंट है। तो एक एक पॉइंट में आपको और लॉजिक के साथ समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एक अपडेट है, अगर आपको कम्युनिटी बैचेस ज्वाइन करना है तो नेक्स्ट मंथ के लिए एडमिशन ओपन है। आप ऊपर व्हाट्सएप दिए गए नंबर पर मैसेज करके एलटीपी कैलकुलेटर का कम्युनिटी बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर कंप्लीटली मैं आपको वन बाय वन गाइड करता हूँ उसके अंदर, और फिर ट्रेड किस तरीके से करना है वो भी मैं आपको सिखाता हूँ। अभी अगर हम लोग एलटीपी कैलकुलेटर से मिड कैप निफ्टी सिलेक्ट का डेटा देखें तो हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, तो हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि रजिस्टेंस जो है वो 10,900 पर है और ये वीक टूवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा है। हो सकता है ये टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो 99% हम लोगों को दिखाई दे रहा है। तो 11,000 का रेजिस्टेंस हुआ करता था, अब ये वीक टूवर्ड्स बॉटम पे शिफ्ट हुआ है। 10,900 का हम लोगों को रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रहा है, और रेजिस्टेंस वीक टूवर्ड्स किस तरीके का है, बॉटम पे शिफ्ट हुआ हुआ हम लोगों को दिखाई दे रहा है। ये वीक टूवर्ड्स टॉप नहीं, क्योंकि रजिस्टेंस पहले यहाँ था फिर बाद में नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ है 100 पॉइंट। तो हम लोगों को रजिस्टेंस जो है वो अभी के लिए 10,900 का रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रहा है। और सपोर्ट की अगर बात करें तो सपोर्ट हम लोगों को 10,800 पे दिखाई दे रहा है, और वॉल्यूम जो है वो इन द मनी पे बंद रहा है। ठीक है, तो ये सिनारियो चेंज होगा मंडे के दिन, देखना इस सिनारियो में क्या चेंजेस होते हैं। पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर मिड कैप निफ्टी का, तो ये एक ट्रेंड लाइन ऊपर से चलता हुआ आ रहा है जो कि रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, और ये एक सपोर्ट लाइन है जो कि सपोर्ट का काम यहाँ पर नीचे से ऊपर कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों को करीब करीब रेजिस्टेंस के पास, यहाँ पर लास्ट टाइम मार्केट गिरता हुआ दिखा था, अभी भी उसी लेवल पर मार्केट वहां से टर्न अराउंड होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, एक सिंपल लॉजिक, आपको एक मूविंग एवरेज लगाना है 13 का। ठीक है, आपको ईएमए, ठीक है, ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाना है, और उसमें सेटिंग में जाकर के आपको 13 की सेटिंग, जो मेरा पॉपुलर सेटअप है 5 और 13 का, वो आपको वीडियो मिल जाएगा या फिर मैं एंड स्क्रीन में उसको डाल दूंगा, आप जाकर के इस सेटअप को देख सकते हो। ये मैंने 13 का ईएमए लगाया हुआ है। ठीक है, 13 के ईएमए के नीचे ही अब ये ट्रेड कर रहा है। अगर मंडे के दिन ये 13 के ईएमए को ब्रेक करता नहीं है, ठीक है, ब्रेक अगर नहीं करता, 13 के ईएमए को ही रिजेक्शन लेकर के ये नीचे गिरता है, तो आपको पुट साइड का एक बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा। अगर हम लोग देखें पुट साइड के अंदर, तो यहाँ पर हम लोगों को 10,800 पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है, और सपोर्ट हम लोगों को स्ट्रॉन्ग दिखाई दे सकता है यहाँ पर। ठीक है, वॉल्यूम शिफ्ट होगा, आप इस बात को देखना, अगर वो सपोर्ट स्ट्रांग रहा तो हम लोगों को 10,800 तक मार्केट जो है वो गिरता हुआ दिख सकता है, यानी कि यहाँ तक, और उसका भी एक्सटेंशन लेता हुआ दिख सकता है मार्केट, तो हम लोगों को मार्केट जो है वो 750 तक नीचे आता हुआ इस लेवल तक हम लोग देख सकते हैं उसको, 730 740, और ये रहा 750 का लेवल। ठीक है, यहाँ तक हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट नीचे गिरेगा, करेक्ट। तो आपको एक पुट की तरफ का एक ट्रेड में चांस लेना है, छोटा सा स्टॉप लॉस डालेंगे, किस तरीके से ट्रेड करेंगे ये अभी हम लोग देख लेते हैं। लेट्स से यहाँ पर कंटिन्यूअसली रेड कलर की कैंडल बना रहा है। ठीक है, मार्केट समझो फ्लैट ओपन होता है या फिर गैप अप गैप डाउन ओपन होता है, हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ ईएमए को फॉलो करना है। ठीक है, ईएमए को फॉलो करना है, अगर मार्केट ऊपर जा रहा होगा तो हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है, इस लाइन के ऊपर ही हम लोग 11,000 के लेवल के ऊपर ही मिड कैप निफ्टी में बाइंग देखेंगे, अदरवाइज 11,000 के लेवल भी हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम जो है वो करने वाली है। ठीक है, यहाँ पर अगर देखें हम लोग तो एक बड़ा सा रिजेक्शन लेकर के 11,000 के लेवल से मार्केट जो है वो फॉल किया था, तो 11,000 का लेवल अगर सेकंड टाइम आ रहा है तो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हाँ ये सेकंड टाइम इस तरीके से ब्रेक कर देगा। ठीक है, पॉसिबल है लेकिन ऐसे नहीं होता, एक बार रिजेक्शन लेके नीचे आएगा तो ऊपर जा रहा होगा, तो हम लोग ऊपर के ट्रेड में, कॉल के ट्रेड में इंटरेस्टेड नहीं है, अनटिल एंड अनलेस यहाँ पर कोई वीक टूवर्ड्स टॉप का सिनारियो सपोर्ट या रेजिस्टेंस का नहीं बनता, तब तक हम लोग जो है वो 11,000 के रेजिस्टेंस को मानेंगे। ठीक है, अब लेट से ये गैप अप ओपन होके 11,000 के लेवल पे जाता है, और यहाँ कहीं पर आपको निगेटिव सिनारियो, जैसे यहाँ पर मूविंग एवरेज के नीचे आ रहा है, ये अगर निगेटिव सिनारियो आप लोगों को दिखता है तो आप लोग यहाँ पर पुट का ट्रेड जो है वो ले सकते हैं। तो मेरा ये प्लान रहेगा
कि आपको जो है वो फुट का ट्रेड में थोड़ा सा ध्यान जो है वो रखना पड़ेगा, ठीक है। फुट का ट्रेड में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इमीडिएट यहाँ से भी ये नीचे गिर रहा होगा या फिर मूविंग एवरेज को रिजेक्शन लेकर नीचे आ रहा होगा, तो फुट का ट्रेड ही प्लान करना। कॉल का ट्रेड 11,000 तक प्लान बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। ऊपर जा रहा होगा, जाने दो, 11,000 का लेवल ब्रेक करने दो, फिर हम लोग उसके अंदर सोचेंगे। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। पूरा ये कंप्लीट सेटअप मैंने आपको मिड कैप निफ्टी का दिया है, करेक्ट। अब निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी एनालिसिस में हम लोग देखते हैं कि निफ्टी एनालिसिस में हम लोगों को किस तरीके का सिनारियो दिखाई दे रहा है। तो निफ्टी के एनालिसिस में हम लोग जो देख रहे हैं वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो स्ट्रांग हो रखा है, ठीक है। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस हमेशा के लिए स्ट्रांग नहीं रहेगा। अगर हम लोग चार्ट में देख रहे हैं तो चार्ट में हम लोगों को दिख रहा है कि मार्केट जो है वो करीब करीब इस लेवल पर साइडवेज हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये लेवल जो है वो साइडवेज है। अब मार्केट का सिनारियो चेंज होगा, वीक टू स्टॉप होगा या फिर बॉटम होगा, तो हम लोगों को एक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन देखने के लिए मिल सकता है। पर जब तक इस रेंज में मार्केट बना हुआ है, ठीक है, तब तक हम लोगों को कोई भी कॉल या पुट का ट्रेड नहीं लेना चाहिए। अब सिनारियो चेंज कैसे होता है, ये मेन मुद्दे की बात है। सिनारियो चेंज कैसे होता है, लेट से यहाँ पर रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, सपोर्ट भी हम लोगों को स्ट्रांग है, ओपन इंटरेस्ट का वीक टूवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है। अब एक अकेला ओपन इंटरेस्ट जो है वो वीक टूवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है, बाकी सपोर्ट तो एज इट इज स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, करेक्ट। यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज है। आप लोग देखोगे अगर यहाँ पर सेकंड हाईएस्ट वॉल्यूम बनने की प्रोबेबिलिटी बनती हुई दिख रही है, 3,55,000 आफ्टर 5,90,000 हम लोगों को वॉल्यूम जो है वो यहाँ पर दिख रहा है, तो ये बन सकता है वीक टूवर्ड्स बॉटम का सिनारियो। और यहाँ पर अगर वॉल्यूम रेजिस्टेंस का वॉल्यूम हम लोग देखें तो 3,49,000 का रेजिस्टेंस हम लोगों को सेकंड हाईएस्ट यहाँ पर जनरेट होता हुआ दिख रहा है, तो ये यहाँ से यहाँ पर वीक टूवर्ड्स टॉप का सिनारियो बन रहा है। अगेन दोनों सपोर्ट वीक टूवर्ड्स बॉटम, रेजिस्टेंस वीक टूवर्ड्स टॉप, ये साइडवेज सिनारियो। अगर चार्ट ऑफ एग्रेसिव 1.0 अगर आप लोग जानते हो, देखते हो, क्योंकि मैं ये सब कुछ सिखाता हूँ तो आप लोगों को पता होगा, यहाँ पर हम लोगों को सपोर्ट वीक टूवर्ड्स बॉटम, रेजिस्टेंस वीक टूवर्ड्स टॉप, इस ऐसे में कोई भी ट्रेड हम लोगों को नहीं करना होता, ठीक है। और इन डिटेल में अगर आप मुझसे सीखना चाहते हो ऑप्शन चेन को या फिर एलटीबी कैलकुलेटर के पूरे सिनेरियोस को लर्न करना चाहते हो अच्छे से, तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर है, आप कम्युनिटी बैच जो है वो नेक्स्ट मंथ की ज्वाइन कर सकते हो। अब इसमें होगा क्या, ठीक है, इसमें होगा क्या, एक तो ये वीक टूवर्ड्स टॉप बनेगा या फिर वीक टूवर्ड्स बॉटम बनेगा, और उसके बाद इन दोनों में से कोई भी एक स्ट्रांग बन जाएगा, ठीक है। आप समझो, कोई भी अगर एक स्ट्रांग बन गया तो पुट का या फिर कॉल का ट्रेड 101% बनेगा, और तब जाकर के इस रेंज का ब्रेकआउट आएगा, ठीक है, इस या फिर इस रेंज का ब्रेकआउट आएगा। लेट्स से इमेजिन करो ये वीक टूवर्ड्स बॉटम बना, ठीक है, अभी मार्केट ऊपर की तरफ ठहरा हुआ है, कंसोलिडेट कर रहा है, ऊपर जाकर के टॉप पर जाकर के कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। लेट्स से सपोर्ट वीक टूवर्ड्स बॉटम हुआ और रेजिस्टेंस स्ट्रांग रहा, तो ऐसे में क्या होगा, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से, ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से हम लोगों को 22,528 से हम लोगों को पुट का एक ट्रेड मिलेगा। क्यों हम लोग पुट का ट्रेड लेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस स्ट्रांग रहेगा और सपोर्ट जो है वो वीक टूवर्ड्स बॉटम रहेगा। अगर सपोर्ट वीक टूवर्ड्स बॉटम बना और रेजिस्टेंस स्ट्रांग है तो हम लोग पुट के ट्रेड में प्लान कर सकते हैं। इसका बिल्कुल उल्टा हुआ, सपोर्ट स्ट्रांग है, ठीक है, सपोर्ट स्ट्रांग है और रेजिस्टेंस वीक टूवर्ड्स टॉप बना, तो हम लोग इसके अपोजिट कॉल का ट्रेड जो है वो ले सकते हैं। दोनों ही केस में हम लोगों को मार्केट में ब्रेकआउट आता हुआ दिखेगा। अगर रेजिस्टेंस वीक टूवर्ड्स टॉप सपोर्ट स्ट्रांग बना तो ये ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा, और अगर सपोर्ट वीक टूवर्ड्स बॉटम रेजिस्टेंस स्ट्रांग बना तो ये नीचे की तरफ ब्रेक करेगा। दोनों ही कंडीशन में एक आपको बेहतरीन ट्रेड जो है वो मिल सकता है। मेरा एक्सपेक्टेशन ऐसा है कि मार्केट में एक ब्रेकडाउन नीचे की तरफ आना चाहिए, दैट टू कहीं हम लोग यहाँ कहीं का टारगेट जो है वो प्लान कर सकते हैं। 22,280-300 तक का हम लोग प्लान जो है वो कर सकते हैं, ये यहाँ पर मुझे टारगेट जो है वो दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं मॉर्निंग में किस तरीके का मूवमेंट होता है, और इसी के अकॉर्डिंग अपना जो प्लान है वो अकॉर्डिंगली आपको बनाना पड़ेगा और उस पर रिएक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ट्रेडिंग दूसरा कुछ भी नहीं होता, अगर आप सीखे नहीं तो आपको कुछ नहीं आएगा। यहाँ पर आप साइडवेज मार्केट में ट्रेड ले लेकर अपना कैपिटल को खत्म करते रहोगे, बीच में यहाँ पर कहीं पर भी ट्रेड नहीं लेना है, सिनेरियोस को देखना है। अगर बॉटम की तरफ कमजोरी आई तो मार्केट ड्रॉप कर जाएगा, और अगर वीक टूवर्ड्स टॉप रहा तो 22,520 का लेवल जो है वो जल्दी ही ब्रेक करके मार्केट जो है ऊपर की तरफ जाते हुआ दिखेगा। दोनों ही केस में इसी लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा, ये जो कंसोलिडेशन जोन है इसको ही ब्रेक करना पड़ेगा, और तब जाकर के आपको क्लियरिटी आएगी कि हाँ ये अभी ब्रेकआउट आ चुका है
और अगर समझो यहाँ से ब्रेक किया और तुरंत नीचे आ गया तो बहुत बड़ा ब्रेकआउट फेल्योर होगा, कॉल में बहुत लोगों की एंट्री फंस जाएगी और ये फिर नीचे की तरफ तुरंत ड्रॉप कर जाएगा। हम लोगों को अपना SL प्लान करना है, विदाउट SL हम लोग कोई भी ट्रेड में एंटर नहीं करेंगे। बिल्कुल छोटा सा 10 से 15 रुपए का SL डालेंगे, कॉल या पुट कहीं पर भी आप ट्रेड करो 10 से 15 रुपए का SL डालेंगे, अगर ब्रेकआउट फेल हुआ तो रिवर्स करेंगे पोजीशन, ठीक है। इस प्लान को भी ध्यान में रखना, अगर ब्रेकआउट आया ऊपर की तरफ, आपने कॉल में एंट्री की, अपना SL डाला और ये रिवर्स नीचे आ गया, फिर से ब्रेकआउट फेल हो गया और SL जाता है, तो अगर नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा होगा तो इमीडिएटली पोजिशन को पुट की तरफ रिवर्स करना होगा। ये दोनों तरफ लागू होता है, अगर नीचे से ब्रेकडाउन फेल हुआ और ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम लोगों को पोजीशन को रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। और दो स्टॉप लॉस मैक्सिमम पर डे आपको प्लान करना है, एक ऊपर की तरफ ब्रेकआउट पर और एक नीचे की तरफ ब्रेकआउट पर, दोनों तरफ के SL हिट होते हैं तो आपको ट्रेडिंग जो है वो यहाँ पर क्लोज करना पड़ेगा मंडे के लिए, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर मेरा एनालिसिस आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अगर ये चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं आपको ऐसे ही LTP कैलकुलेटर के डेली एनालिसिस जो है वो लर्निंग वीडियो प्रोवाइड करता हो तो आपको वो टाइम टू टाइम मिलते रहे। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। और कम्युनिटी बैचेस का जो एडमिशन का नंबर है वो ऊपर डिस्प्ले पर चल रहा है, उसको ज्वाइन करने के लिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होगी। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।